नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज रंगवत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक फ्रेश कमाल वीडियो के अंदर। तो जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप अपना अबेकस इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या बातें ध्यान में रखनी है, और तो वीडियो पूरी देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ आज इसी टॉपिक पे। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अबेकस इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना तो काफ़ी आसान है, कुछ भी नहीं करना होता है। आपको फ्रेंचाइजी लेनी है कोई भी कंपनी से, और ट्रेनिंग लेनी है, और कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी इसमें हमें नहीं करना पड़ता है, और कोई भी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। कि ऐसा नहीं है कि कोई डिग्री होगी तो ही आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अबेकस आना चाहिए और आप अबेकस स्टार्ट कर सकते हैं। मटेरियल वगैरह जो भी होती है वो सारा आपको कंपनी प्रोवाइड करवाती है। तो उसके बाद में देखिए क्या होता है कि आपको एडमिशन्स, अबेकस फ्रेंचाइजी आपने ले ली, ट्रेनिंग आपने ले ली, उसके बाद में अगर आपको एडमिशन करने हैं, एडमिशन देखिए शुरुआती एडमिशन ठीक है, आपका न्यू सेंटर है, लोग देखेंगे यहाँ ठीक है अबेकस करके कुछ नया न्यू खुला है, तो अपने बच्चों को भेज देंगे। आप अपनी जानकारी के हिसाब से एक बार जो है पहला बैच आप स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन उसके बाद में देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अभी समर कैंप में काफ़ी ये समर वेकेशन में काफ़ी ये इंस्टीट्यूट ओपन होते हैं, बाद में भी काफ़ी होते हैं लेकिन समर वेकेशन में थोड़ा ज़्यादा इस पर जोर रहता है। तो उस टाइम में क्या होता है कि हाँ ठीक है, बच्चे छुट्टियाँ हैं, बच्चे फ्री हैं, तो बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं। तो मान के चलिए कि 10 बच्चे ने अगर ज्वाइन किया है तो उन 10 में से सिर्फ 2 ही बच्चे ऐसे होंगे जो कंप्लीट आपका कोर्स करेंगे, क्योंकि ये लगभग 1 साल का कोर्स होता है। तो 1 साल का कोर्स जो छोटे बच्चे होते हैं वो नहीं कर पाते हैं, इतना बहुत कम चांस होते हैं। 10 में से सिर्फ 2 बच्चे ऐसे होते हैं जो कंप्लीट ये कोर्स करते हैं, बाकी कोई 2 महीने, कोई 3 महीने, कोई 6 महीने इतना ही करते हैं। देन उसके बाद में देखिए क्या होता है कि आपने शुरुआत का बैच आपने ज्वाइन कर लिया, और उसके बाद में ठीक है आपका सही चल रहा है सब कुछ, लेकिन उसके बाद में क्या होगा कि जैसे समर वेकेशन मान लीजिए ख़त्म हो जाती है, या कोई भी जो बीच का टाइम आता है, कोई भी महीना आता है बीच का, तो उस टाइम में आपको एडमिशन्स करने के लिए क्या करना होगा कि आपको ऐड भी काफ़ी करनी होगी, आपको जो है डेमो के देनी होगी स्कूल्स के अंदर अपने हिसाब से जाके, और उसके अंदर डेमोज वगैरह भी देनी होगी। तो ये सारे काम जो है आपको करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि बस ठीक है आप अबेकस इंस्टीट्यूट आपने खोल लिया उसके बाद में आपके पास अपने आप एडमिशन्स आते रहेंगे और काफ़ी आसान चीज़ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो उसके बाद में आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, टाइम टू टाइम आपको जो है ऐड भी करनी पड़ती है, बच्चों को समझाना भी पड़ता है, स्कूल्स में जाके डेमो देनी पड़ती है, तो कॉन्टैक्ट आपको पूरा बनाना पड़ता है, ये आसान काम नहीं है। उसके बाद में देखिए, मान लीजिए आपका इंस्टीट्यूट बढ़िया चल जाता है, एडमिशन्स आपके पास काफ़ी आ जाते हैं, आप रिजल्ट भी अच्छा दे रहे हैं, और हाँ अगर मान लीजिए आपको जो भी आपने ठीक है एडमिशन्स आपने कर लिए, लेकिन उसके बाद में आपको बच्चों को पढ़ाना भी बहुत सही से होता है, सर्विस काफ़ी अच्छी देनी होती है, अगर आपको लॉन्ग टर्म अपना जो है ये क्लासेस चलानी है तो आपको सर्विस भी काफ़ी अच्छी देनी होती है। क्योंकि देखिए पेरेंट्स भी आजकल बच्चों के काफ़ी एक्टिव है, तो वो भी पूरा ध्यान देते हैं कि ठीक है क्या सिखा रहे हैं क्या नहीं सिखा रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको पूरी ध्यान में रखनी होती है, सर्विस आपको अच्छी देनी होती है। फिर मान लीजिए कि आपका इंस्टीट्यूट ठीक है अच्छा चल पड़ा और काफ़ी बच्चे आपके पास आ रहे हैं, आपका एक नाम हो गया है आपके शहर के अंदर कि हाँ ठीक है ये अबेकस इंस्टीट्यूट जो है काफ़ी अच्छा है, बच्चों को काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं और रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे इस टाइम में ये दे रहे हैं। तो उसके बाद में देखिए क्या होता है कि अगर नाम चला तो एडमिशन्स आएंगे, भीड़ आएगी। अगर आप उस नाम को अपने कायम नहीं रख पाते हैं, उस नाम को आप संभाल नहीं पाते हैं, तो देखिए अबेकस जो ये इंस्टीट्यूट की जो लाइन होती है, चाहे वो अबेकस हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे कोई भी हो, जैसे नाम चढ़ता है, नाम चढ़ने में भी टाइम नहीं लगता है कि ठीक है आपने थोड़ा रिजल्ट अच्छा दिया और नाम आपका चढ़ गया ठीक है, तो और नाम डूबने में भी इसमें टाइम जरा भी नहीं लगता है। भीड़ आई आपके पास, अगर आप उसे मेंटेन नहीं कर पाए, अपने नाम को आप मेंटेन नहीं कर पाए, नहीं संभाल पाए, तो बाजार में आपके शहर में ये बातें होते टाइम नहीं लगेगा कि उसमें तो बहुत भीड़ है और पढ़ा नहीं पाते हैं, रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, बस वहाँ पे तो भीड़ है, पढ़ाई नहीं होती है, ये बातें होते भी आपके टाइम नहीं लगेगा। तो जितना आसान अपन सोचते हैं उतना आसान नहीं है, क्योंकि मैं खुद काफ़ी सालों से अबेकस इंस्टीट्यूट पढ़ाता रहा हूँ, अभी मैं नहीं ये कर रहा हूँ, लेकिन मैंने काफ़ी टाइम जो है अबेकस इंस्टीट्यूट अपना चलाया है और काफ़ी बच्चों को पढ़ाया है, तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ जो कि काफ़ी ज़रूरी है। तो आप अगर अबेकस इंस्टीट्यूट की खोलने की सोच रहे हैं तो आप मान के चलिए आपको 100% ही नहीं 101% आपको जो है अपना ध्यान जो है वहाँ देना होगा। तो ध्यान देते रहिए, अच्छी सर्विस देते रहिए, कोई भी इस काम में कमी नहीं है, और कमाई के तो देखिए एक बार नाम चल पड़ा, नाम उसको आप मेंटेन कर लीजिए, उसके साथ में काफ़ी सोर्सेज उसमें बन जाते हैं। तो अगर आपको अबेकस
ट्रेनिंग लेने की सोच चाहते हैं, अबेकस इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं, तो हम भी जो है अबेकस ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं, अबेकस किट भी प्रोवाइड करवाते हैं। स्क्रीन पे जो नंबर आ रहे हैं आप उस पर कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। अबेकस फ्रेंचाइजी अगर आपको लेना चाहते हैं या कोई एडवाइस आप लेना चाहते हैं तो आप जो है इस नंबर पर मुझे कॉन्टेक्ट करके मुझसे बात कर सकते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस, आपके लिए हेल्पफुल वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके कोई सवाल या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। पास वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपको ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।